सभी को नमस्कार। ज्योतिष पुंज टीवी में मैं अश्विनी गौतम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यस यस मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी लाइव हूँ। हेलो एवरीवन। तो जितने भी लोग हमारे पास इस समय लाइव को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार मैसेज जरूर पिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन से लोग जो हैं अभी हमें लाइव सुन पा रहे हैं। हेलो रतन सिंह, बहुत अच्छा सवाल। अभी लाइव आते ही रतन सिंह जी का सवाल आ गया मेरे पास। पंडित जी सिंह लगन में उच्च का गुरु कैसा रहेगा? सिंह लगन की अगर कुंडली आपकी है रतन जी, और उच्च का अगर आपका गुरु है, तो गुरु जो है वो चौथे भाव में चौथी राशि में 12 नंबर भाव के अंदर आपका होगा। अगर आप विदेश में हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप इंडिया में हैं तो वैसे तो अच्छा माना जाएगा। अगर मैं धार्मिक स्वभाव के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष का भाव होता है, और उच्च का गुरु अगर 12वें भाव में है तो मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको धार्मिक बनाएगा, धार्मिक चीज़ों पर आपके खर्चे करवाएगा। लेकिन अगर आप विदेश में हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छा देगा, अगर उच्च का गुरु आपके 12वें भाव में है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको रहेंगे। बेसिकली मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि पहली बार ज्योतिष पुंज टीवी पर यूट्यूब पर लाइव का सेशन शुरू किया गया है, और ये लाइव सेशन अब जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू चलेंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम अश्विनी गौतम है, मैं एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, और ज्योतिष पुंज का संस्थापक भी हूँ। 2020 में हम लोगों ने ज्योतिष पुंज टीवी की शुरुआत की थी, और साथ में ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड, ज्योतिष पुंज गुरुकुल, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप इस समय ज्योतिष पुंज है। आप सबके सहयोग, मान, प्यार, सम्मान से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की एक जबरदस्त टीम हमारे पास है, जो कि हमारे चैनल्स के माध्यम से आपके साथ लाइव रहती है। फेसबुक पर हम लोग हमेशा लाइव रहते हैं। फेसबुक पर ज्योतिष पुंज टीवी को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पैनल पर जो है वो लाइव दिखाई दे जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पर आपके साथ रूबरू होने का प्रोसेस मैंने शुरू किया है यहाँ से। इसके अलावा आप मेरे दूसरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम पर भी मैं हमेशा लाइव रहता हूं,
बहुत अच्छा प्यार मान सम्मान आपकी तरफ मुझे मिल रहा है वहाँ से। प्रेमलता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आए। और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें, ये एक ऐसी विद्या है जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि अगर हमें आप लोगों की सेवा करने का जो मौका है वो मिल जाए तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। अगर हमारी विद्या से किसी का भला हो सकता हो, अगर हमारी विद्या के द्वारा हम दूसरों को उचित मार्गदर्शन दे सकें, देना तो परमपिता परमेश्वर ने, हम तो एक माध्यम हैं, अगर ऐसा कुछ हम कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा और मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी बहुत सारी सर्विसेज एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम चैनल पर, फेसबुक पर ज्योतिषपुंज टीवी के माध्यम से, और अब ज्योतिषपुंज टीवी के माध्यम से जो है YouTube पर भी आपको अवेलेबल रहेंगी। तो हम बात करेंगे आप लोगों के साथ, आपके समस्याओं के सवाल लेंगे, जवाब देंगे आपकी समस्याओं का और सवाल लेंगे आपके। और अभी सबसे पहला सवाल मैं प्रेमलता जी का ले रहा हूँ, इन्होंने विकास के बारे में पूछा है। 8/7/1982 उनका डेट ऑफ बर्थ है। आठ सात 1982 की अगर मैं बात करूं तो 10 और 10 20 7 27 और 8 35, 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं पर्सनल ईयर की बात कर रहा हूं तो ये 5 और 15 20, 2 पर्सनल ईयर चल रहा है, 8 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। प्रेमलता जी क्या जानना चाहती हैं? सबसे पहले मैं आपको इनका लक्की नंबर बता देता हूं, इनका लक्की नंबर जो है वो 9 है। जितना ज्यादा ये 9 को यूज करेंगे, जितना ज्यादा ये 9 अंक को यूज करेंगे, उतना ही इनके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। नंबर 9 को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, विकास के केस में बता रहा हूं आपको, नंबर 9 को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है और 9 नंबर आपको हमेशा रिजल्ट देगा। विकास के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन है कि 9 तारीख को सारे काम करें, 9 की संख्या में सारे काम करें और 9 नंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं प्रेमलता जी, तो आपकी बेटे के गवर्नमेंट जॉब के योग मुझे दिखाई देते हैं, या तो ये गवर्नमेंट जॉब में होगा, अगर ये नहीं है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ये काम कर सकता है और अगले साल गवर्नमेंट की तरफ से इसको किसी भी तरह की सहायता जो है वो मिलेगी डेफिनेटली। हाँ, हेल्थ इसकी डाउन रहती है बिकॉज जॉइंट पेन्स और बोन्स में इसकी प्रॉब्लम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम भी विकास का जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुझे नज़र आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप विकास को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा किया करें। दैट मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ के लिए जो इनको करने हैं, वो इससे इनको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ को करने से। एक तो आपके घर का जो टॉयलेट है उसकी सफाई विकास अपने हाथ से करेगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। घर के टॉयलेट की विकास अपने हाथ से करेगा, घर के टॉयलेट को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी विकास की रहेगी। एंड उसके बाद जितने भी गरीब आदमी हैं जो विकास के कंसर्न में आता है, कभी विकास को उनसे बिगाड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अपने गुस्से पर काबू रखना है। और विकास से आप विकास को कभी भी गरीब आदमियों से नहीं बिगाड़ना, जितनी ज़्यादा गरीब आदमियों की यह सेवा करेगा उतनी इसके हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उतना इसका वो भी अच्छा रहेगा। इस साल जुलाई के बाद से फाइनेंसिस थोड़ा ठीक होने के चांसेस लग रहे हैं, मतलब हो चुके हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर के बाद से इसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगले साल सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट इसको मिल सकता है, या तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है या कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो। मैरिटल लाइफ में इसके प्रॉब्लम है, आपने मैरिटल लाइफ की बात की तो मैरिटल लाइफ में इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और मैरिटल लाइफ की अगर प्रॉब्लम को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से ये बोलूँगा कि शिवजी मंदिर, एक तो घर के टॉयलेट्स का मैंने आपको बता दिया और गरीब आदमियों की सहायता बता दिया,
शिवजी मंदिर में जाकर जहां शिव परिवार है वहां पर जाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें तो डेफिनेटली इनकी मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रेमलता जी, मैं रतन जी का भी सवाल ले रहा हूं, फाइनेंसिस के बारे में जानना चाहते हैं। 24/9/1955 का जन्म है, रतन जी आपका भी लकी नंबर जो है वो 9 रहेगा, आपका लकी नंबर भी 9 रहेगा। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो 10 और 10 20 9 29 और 6, सॉरी आपके आपके फाइनेंसिस भी थोड़ा सा मुझे दिखाई देता है कि स्लो हैं, लग्जरीज हैं लेकिन शायद पैसा स्टेबल नहीं हो पाता है, टिक नहीं पाता है, या खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रतन जी मुझे लगता है ऐसा, मेरी ओपिनियन है इस चीज को, बाकी ऊपर वाला जानता है। पर्सनल ईयर की बात करता हूं तो नवंबर से आपका पर्सनल ईयर 5 और 6 11 और 20 दो चल रहा है, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 5 9 14 और 6 20, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। इस साल आपको हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है रतन जी इस साल हेल्थ इश्यूज भी आपको काफी दिखाई दे रहे हैं। मुझे बड़ा क्लियर है कि आपकी बॉडी इस समय बहुत सेंसिटिव है, नवंबर के बाद से थोड़े से हेल्थ इश्यूज खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी की सेंसिटिविटी जो है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स या मेंटल डिस्टर्बेंस भी जो मुझे दिखाई देता है। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जितना ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करें या जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे रतन जी, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तब जाकर आपको रिलीफ महसूस होगा। अदरवाइज ये 6-2 का जो कॉम्बिनेशन इस समय इस साल चल रहा है ना आपका, नवंबर के सितंबर से बाद से, वो थोड़ा सा टेंशन देने वाला है आपको। रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस इस समय आपके हैवी हैं, आपका एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है उस चीज़ का। लोग आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको छोटी छोटी बात पर टेंशन होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए इस चीज़ को लेकर, और भगवान शिव की उपासना आप जितनी ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे रतन जी, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवेक शर्मा जी का मैं सवाल ले रहा हूं, 23/7/1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। विवेक जी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका लकी नंबर जो है वो 5 है, आप 5 को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरी बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मैं देखता हूं, 14/10/24 और 7/31 और 5/36, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। और इस समय अगर पर्सनल ईयर की बात करूं नेक्स्ट ईयर आपकी शादी अप्रैल के बाद होने की जो संभावना है मुझे नजर आती है, ये योग पिछले साल भी बना था, अगर आपकी शादी पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी, अगर वो इन केस नहीं हो पाई है तो अगले साल अप्रैल के बाद विवेक जी आपकी शादी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा मुझे नजर आते हैं। आपका जो लक्की नंबर है वो मुझे 5, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 नजर आ रहा है, और 5 नंबर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल जो है वो रहने वाला है। सो बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है ज्योतिष पुंज टीवी के माध्यम से, हम ज्योतिष पुंज टीवी पे लाइव रहेंगे। मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपके सवालों का जवाब भी ले रहा हूं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी अब यहाँ पर ज्योतिष पुंज टीवी पर यूट्यूब पर लाइव आना शुरू करेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि आप चाहते हैं कि अगर हम आपकी सेवा कर पाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि पता लग सके आपको कि कभी भी कोई लाइव आ रहा है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि इस चैनल को आप शेयर भी मैक्सिमम कीजिए ताकि और लोगों को भी जोड़ा जा सके, उनकी समस्याएं भी ली जा सके। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोगों की सेवा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सॉल्यूशन निकाल पाए उनका। बहुत बहुत स्वागत है रेशमा जी का और नंदिका वर्मा जी का। तो रेशमा चौहान जी का मैं सवाल लेता हूँ, 22/8/81 उनका डेट ऑफ बर्थ है। पांच आपका लकी नंबर है,
रेशमा जी, 5 आपका लकी नंबर है, 9 और 10 19, 19 और 4 23 और 8 31। रेशमा जी, सरकारी नौकरी के योग नहीं है, अगर आप सरकारी नौकरी का सोच रही हैं तो आप छोड़ दीजिए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, सरकारी नौकरी का योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी का सोच रहे हैं रेशमा जी, तो छोड़ दीजिए। मेरा सजेशन है कि आप कोई बिजनेस कर लें, या प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। यू आर 4 और 4, दो चीज़ें, प्राइवेट जॉब या बिजनेस, ये दो चीज़ें आपके लिए सूट करती हैं। 22 नंबर से आपका उच्च का राहु है, वो आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, तो अगर आप बिजनेस की तरफ मूव करेंगी तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई मत करें, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रितिका, रितिका जी, 3 और 2 हजार। सबसे पहले मैं रितिका के लिए बोलना चाहूंगा कि इनका जो लकी नंबर है वो 6 है। 6 नंबर को ये जितना ज्यादा यूज करेंगी उतना ही इनको बेनिफिट रहेगा इस चीज के लिए। शादी कब होगी? लव मैरिज तो नहीं करेगी, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं उसको। देखिए, इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है अभी, इनकी शादी को अभी 2 साल और हैं। लव मैरिज नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ के लिए, फैमिली की मर्जी से शादी करेगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो करियर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इनका। 3-5 का कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। 100% आप ट्राई करवाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब जो है इनको मिल सकती है। आप ट्राई करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने की कोशिश करें। 100% इनको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। मैरिज बहुत अच्छी होगी, मैरिज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। लकी नंबर 6 है और 6 नंबर को जितना ज़्यादा ये यूज़ करेंगी उतना इनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं वो मुझे दिखाई देते हैं। श्याम श्री जी, स्वागत है, आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर भी रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 3 बजे आने वाला था लेकिन मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है 5 बजे, तो मुझे दूसरे चैनल पे भी लाइव आना है, तो मैं 3 बजे अपने दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम, 3:30 बजे एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम पर लाइव रहूँगा, तो आप वहाँ भी मुझे सुन सकते हैं। वहाँ भी आपके सवालों के जवाब जो हैं वो लिए जाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। मैं सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं सवाल ले रहा हूँ कमल वर्मा जी का। इनका क्वेश्चन है, 11/9/2001 को इनका जन्म हुआ है, 11/9/2001। जॉब और बिजनेस, कौन सी चीज इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है जॉब और बिजनेस में से, दोनों में से हम देखते हैं। मुझे लगता है कि कमल वर्मा जी, आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब के ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं हैं। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है 11/9/2001 का, 9 और 1 10 और 11 और 9 10 11 12 और 2 14, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जॉब करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं बनता है। सेकंड वन, अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। बिजनेस में ही आए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको रहेंगे उस चीज के लिए। नेक्स्ट लेता हूं, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 21/8/1980, वो बीमार रहते हैं और नौकरी भी ठीक नहीं है। 21/8/1980, 10/8/18, 26/3/29, 3-2 का कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली उनकी बॉडी सेंसिटिव है, उनको छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रह जाती है,
सवाल आपका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड की तबीयत अच्छी रहे तो आप भगवान शिव की पूजा उनसे करवाएं, जितनी ज़्यादा रुद्राभिषेक करवाएं उनसे। चंद्रमा उनकी बॉडी को सेंसिटिव बना रहा है, जिसकी वजह से उनको छोटी छोटी बात चीज़ों के लिए प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर। तो आपको भगवान शिव की पूजा, उनका रुद्राभिषेक करवाएं आप भगवान शिव का, तो आपको डेफिनेटली देखिएगा कि आपके हस्बैंड को कितने बेनिफिट्स जो हैं इसके मिलते हैं। ये आप करवाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। कमल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कमल जी, आपका लकी नंबर 9 है। आपका जो भी काम आप करना चाहते हैं आप मंगलवार के दिन कीजिएगा, आपको कोई काम नहीं अड़ेगा। 9 तारीख को कीजिएगा, कोई काम नहीं अड़ेगा। और 9 बार अगर उस काम को करेंगे तो कोई काम नहीं अड़ेगा। तो आप अगर कोई ऐसा काम भी आपको करना है जो आप मंगलवार नहीं कर सकते हैं, तो भगवान हनुमान जी की पूजा करने के बाद उसको कर दीजिएगा, वो काम कोई नहीं अड़ेगा। भगवान हनुमान की शरण आप जितनी ज्यादा लेके चलेंगे ना कमल जी, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। शिव कुमार वर्मा जी का सवाल ले लूं, 18/6/1973। कमाल, आज सारे 9 नंबर वाले मेरे पास आ रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी अपना पूरा कृपा दिखा रहे हैं। शिव कुमार वर्मा जी, आपका लकी नंबर भी 9 है और बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ओके, 10, 10, 20, 6, 26 और 9, 35। ओके, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपका जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है वो 8 आ रहा है। 10, 10, 20, 6, 26 और 9, 35, आपका डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है। जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है ना, उनकी लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो 42 से 51 साल की एज के बीच में होती है, 42 to 51 के बीच में होती है। और आपका जो लगभग लगभग 47, 48 का चल रहा है ये ड्यूरेशन, तो मुझे लगता है जो स्टेबिलिटी होगी वो 52 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। जितना उम्र बढ़ती चली जाएगी उतनी ही लाइफ में स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। यू आर 9 एंड 8। पर्सनल ईयर की मैं बात करता हूँ तो आपका जो पर्सनल ईयर जो है वो इस समय चल रहा है 9, 6, 15 और 5, 20। 2 पर्सनल ईयर चल रहा है आपका। दो पर्सनल ईयर चल रहा है, 23 नवंबर के बाद आपका काफी हद तक काम जो है वो ठीक होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। पिछले 3-4 महीने से जो मैं देख पा रहा हूं वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की स्थिति ज्यादा है इस समय आपके काम में। तो 23 नवंबर के बाद कुछ स्थितियां बदलेंगी और अगले साल अप्रैल के बाद जब शनि चेंज होंगे, राशि बदलेंगे, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर भी शनि का है, तो जैसे ही वो राशि चेंज करेंगे तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी आती नजर आ रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, काम आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, योर लक्की नंबर, सॉरी, योर डेस्टिनी नंबर इज 8। बढ़ती उम्र के साथ स्टेबिलिटी आएगी, छोटी उम्र में 8 नंबर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो ये 42 से 51 साल की जो मैंने आपको उम्र का टाइम पीरियड बताया, ये स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड होता है। लेकिन एक्चुअल जो स्टेबिलिटी होती है वो 51 के बाद ही आती है। जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक उपाय छोटा सा मैं बता देता हूं, आप अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं तो आप बस अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखिए। जितने ज्यादा एम्प्लॉयज आपसे खुश होंगे उतना आपका काम बढ़ेगा। गरीब आदमियों की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपका काम बढ़ेगा। आप घर के टॉयलेट्स अगर खुद साफ करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा। सुबह उठते ही घर के बाहर झाड़ू लगाइए, घर के बाहर का जो रैंप है, गेट के बाहर का जो एरिया है उसको खुद साफ करिए,
आपका काम बढ़ेगा। मैं गारंटी देता हूं ये सब उपाय करना शुरू कर दीजिए, आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये काम करिए, आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। श्यामश्री जी, मूलांक दो और भाग्यांक चार वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदगी में। आपने लिखा है दो और चार का कॉम्बिनेशन है आपका, इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी इजीली आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या करें मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप कैश फ्लो अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं तो आप नंबर वन को यूज करना शुरू करें, और नंबर वन भी नंबर 37 से यूज होना चाहिए सिर्फ। श्यामश्री जी, आपको एक उपाय बता रहा हूं, बहुत अच्छा उपाय है नंबरों का, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 37 को आप यूज करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, नंबर 37 वन यूज करना है विद 37। अपने ऑफिस में अपनी आंखों के सामने 37 नंबर बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए, या एक स्लिप बना के 37 नंबर अपने पर्स में रख लीजिए, रोज सुबह निकलिए और 37 नंबर को यहां पर लिख लीजिए, 37 यहां 37 लिख लीजिए, बार बार उसके दर्शन कीजिए 37 के, आप जितना ज्यादा, नहीं तो 0037 अपने मोबाइल का पासकोड लगा लीजिए, देखिए आपका कैश फ्लो कितना बढ़ता है वहां पर। रेशमा जी, सवाल आपका लिया मैंने, 21/8/1980 आपका हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है। रेशमा जी, मैं आपको फिर बताऊं, 3-2 का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जितने ज़्यादा आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उतना आपको रेशमा जी, आपके हस्बैंड को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है, चंद्रमा कैश फ्लो का कारक है, लेकिन 3-2 के लोगों को फाइनेंसेस को संभालने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। इस चीज को देखते हुए भगवान शिव की पूजा करें, या पूर्णिमा के व्रत रखना शुरू कर दें, आप पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दें, आप देखिएगा आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे इस चीज की। तेईस आठ 1979 मोहन सिंह, पांच 3 का कॉम्बिनेशन, देखिए हेल्थ तो दिक्कत देगी देगी, 5-3 का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ ने तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही करनी है, शुगर भी हो सकती है, शुगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5-3 का कॉम्बिनेशन है, बढ़ती उम्र के साथ मीठा जितना कम कर देंगे उतना इनके लिए अच्छा है, इनको मीठा खाने का शौक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, शुगर से बचाव करना है। एंड क्या सवाल है आपका जॉब से रिलेटेड, 5-9 आपका पर्सनल ईयर चल रहा है इस समय, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब चेंज होगी या बिजनेस शुरू करेंगे,
प्राइवेट सेक्टर की जॉब में हैं तो जॉब चेंज करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि 5-1 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको नई जॉब की तरफ लेके जा रहा है। अभी ये अगले साल अगस्त के बाद ये योग बनता नजर आ रहा है मुझे। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो भी ये जॉब चेंज करने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अगले साल अगस्त के बाद होगा। जॉब चेंज होगा या बिजनेस में मूवमेंट होगी, ये जॉब यहां से लीव होगी। बिजनेस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर से बिजनेस के योग ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। अगस्त के बाद से जब आपका पर्सनल ईयर 1 चलेगा, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा आपका, और बुध आदित्य योग बिजनेस के लिए हमेशा अच्छा होता है। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करेंगे तो ये योग आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा, बट बिजनेस प्रेफरेबल है। आपका लकी नंबर श्याम श्री जी 7 है, आप 7 को यूज करें, 37 अलग से रखें अपने पास, आप देखिएगा कितने फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। मोहन सिंह जी मैं आपको बताऊं, आप 3 नंबर को यूज करें जितना ज्यादा, 3 नंबर आपका लकी नंबर है, 3 तारीख को काम करें, 3 बार कोई काम करें, या वीरवार के व्रत रखना शुरू कर दें, आप देखिएगा कितना फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। आप मोहन सिंह जी मैंने आपको उपाय बता दिया, वीरवार के व्रत, 3 तारीख को काम, 3 बार काम, ये उपाय करना शुरू कर दें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे। विवेक शर्मा जी आपने सवाल पूछा है, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है। विवेक जी जिनका 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है ना, उनकी सोच बहुत गहरी होती है लेकिन काम को वो सही तरीके से सिरे नहीं चढ़ा पाते। जिनका 3 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, गहरी होती है, पर वो काम को सिरे नहीं चढ़ा पाते हैं सही तरीके से, उनको नंबर 1 को यूज करना चाहिए। मैं आपको सजेशन दूंगा आप 37 नंबर को यूज करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 37 नंबर यूज करने से। सीमा वर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। रेशमा जी कहती हैं पूर्णिमा के फास्ट हस्बैंड की, हाँ आप रख सकते हैं उनके नाम पे फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रखें, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे। नेहा सोनी सृष्टि 5-5-13, इनका लकी नंबर 9 रहेगा, इनका लकी नंबर 9 है। चलो 6 और 16 5-7 का कॉम्बिनेशन इनका है, और प्रेजेंट में 5-10-15 5-6 चल रहा है, पढ़ाई में आजकल माइंड नहीं लग रहा होगा इनका, और 5-6 चल रहा है इस समय, पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा होगा, ध्यान बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो रहा होगा। 5 और 6 5, 1, 2, 3 और 5 अग्रेसिव नेचर, दूसरों के सुनते नहीं हैं, दिल की करते हैं अपने सिर्फ, और रिस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम है इस समय। अगले साल के बाद इनका सेम कॉम्बिनेशन, इनका बर्थ कॉम्बिनेशन चलेगा 5 और 7 का, और जब बर्थ कॉम्बिनेशन चलता है तो इंसान वही करता है जो उसके लिए फ्रूटफुल होता है, बिकॉज बर्थ वाला कॉम्बिनेशन जब होता है तब वो गोल्डन पीरियड होता है बर्थ कॉम्बिनेशन। अगले साल मई के बाद जो है पर्सनल ईयर 7 चलेगा इनका, और पर्सनल ईयर 7 जो है वो इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, तो एजुकेशन की तरफ मन लगेगा इनका, बहुत बढ़िया एजुकेशन के योग बनते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन ही हासिल करेंगी। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फैमिली डिससेटिस्फैक्शन इनकी तरफ है, आप कोशिश करें कि अगर आपकी बेटी
गुस्सा भी करती है, तो आपको इसको गुस्सा नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इसको डांटेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पर चलाएंगे, इसको गुस्सा करेंगे, फैमिली की तरफ से अग्रेशन दिखाई देगा, उतना ही आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, क्योंकि 5-7 का कॉम्बिनेशन हमेशा फैमिली में असंतुष्टि दिखाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जितना प्यार से आप इनसे काम लेंगी उतना ज़्यादा ये आपकी बातों में रहेंगी, अदरवाइज थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्यार से एक दोस्त की तरह इन्हें हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसकी आप बाउंडेशन मत डालिए रेशमा जी, इसकी आप बाउंडेशन मत डालिए। जितने ज़्यादा आप फास्ट रखेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अच्छे रिजल्ट मिलते चलते जाएं तो आप पूर्णिमा के फास्ट कंटिन्यू कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा रखेंगे उतना, अगर बाउंडेशन में डालेंगे तो एक बाउंडेशन भगवान के लिए किसी भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आप खुले रखिए, आपको रिजल्ट खुले में ही मिलेंगे। सीमा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/9/2001 बिजनेस की स्टार्टिंग कब करें? एक मिनट, कमल जी अगले साल सितंबर के बाद। अगले साल सितंबर के बाद करें, आपका बिजनेस बहुत चलेगा, आपका बिजनेस का बहुत शानदार योग है। 2-5 का आपका कॉम्बिनेशन है, बिजनेस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अगले साल सितंबर के बाद करें बिजनेस। अगर आप पहले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगले साल सितंबर के बाद उसकी स्टेबिलिटी के योग जो है वो ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका पर्सनल ईयर भी 8 चल रहा है, 8 आ जाएगा उस समय, और 8 पर्सनल ईयर बिजनेस के लिए हमेशा स्टेबिलिटी देता है। सीमा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं बताई, आपने बताया 40 एज है आपकी, बहुत दर्द है, उपाय बताएं। योगिता वर्मा आपकी ये 40 एज वाला डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। अगर आपकी 40 एज है, मुझे लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, और आपके अगर जॉइंट पेन रहता है, बहुत दर्द है, लेग में बहुत दर्द रहता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपका शनि खराब है। अगर आपको जॉइंट पेन रहता है और दर्द रहता है, लेग में दर्द रहता है नीचे वाले हिस्से में, तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज तुलसी के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दीपक जलाना है तेल का, और हर शनिवार को आपको काले मूंग और चाय पत्ती, काला कपड़ा, जितनी आपकी श्रद्धा हो, हर शनिवार को आपको जाकर मंदिर में रख के आना है। दान मांगने वाले को नहीं देना है, सिर्फ मंदिर में देना है, ये काम करना है। आप उपाय करिए, आप डेफिनेटली देखिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने दे दी है मुझे 11/1979 लिखा है आपने, कोई बात नहीं। 16/10/26/35 and 8/42 8/6 का बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको सही उपाय बताया, जो मैंने आपको बताया शनि का उपाय करें। आप देखिए आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। हर शनिवार को काले मूंग, चाय पत्ती और काला कपड़ा शनि मंदिर में जाकर रख के आए। मांगने वाले को मत दीजिएगा,
और एक तेल का दीपक तुलसी के नीचे रोज शाम को आप जला दीजिएगा, आप देखिएगा आपको कितने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं इसके। योगिता वर्मा का मैं सवाल ले रहा हूं यहाँ पे सीमा जी, 19/4/2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले तो दो इनका लकी नंबर है, दो लकी नंबर होने की वजह से चंद्रमा लकी नंबर है, और 6, 2, 8, 4, 12 और 10, 22 यानी कि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। माइंड इनका बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, कंफ्यूज रहती हैं, डिसीजन मेकर नहीं है। दो इनका लकी नंबर दिखाई दे रहा है मुझे, तो इनको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ छोटा सा, आप वो उपाय करें। आपकी बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी बेटी बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, रात को सोते समय एक पानी की गड़वी इनके सिराने रख देंगे, आपकी बेटी के पानी की गड़वी एक सिराने रख देंगे, उसको ढकना नहीं है और ना ही रात को उठ के उस पानी को पीना है। सुबह उठें, उसके हाथ से वो पानी जो है वो कांटेदार पौधों में डाल दें, तुलसी और पीपल पे वो पानी नहीं चढ़ाना है आपने। डेली ये काम कराना शुरू कर दीजिएगा, माइंड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और चूंकि लकी नंबर दो है और चंद्रमा का ये उपाय है, तो आप देखिएगा पढ़ाई में बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छे योग हैं, फाइनेंसिस के मामले में बहुत अच्छी जाएगी, फाइनेंशियल फील्ड्स जो हैं इसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो कॉमर्स साइड से अगर आप इनको कोई पढ़ाई करवाएंगी तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉमर्स का स्ट्रीम बहुत अच्छा है, अकाउंट्स के फील्ड में बहुत अच्छा जा सकती हैं, लेकिन आपको चंद्रमा का उपाय साथ साथ कराना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, शिव जी की पूजा, ये जो मैंने आपको पानी वाला उपाय, और तीसरा उपाय आपको करना है चांदी के गिलास में या चांदी वाला पानी या मटके वाला पानी इनको पिलाना है डेली। इतना आप काम करते रहे जो है इसका बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है इनको मिलेगा। नंदिका 10/5/2009, 9, 2, 11 और 5, 16 और 1, 17 नेचुरल सी बात है, 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो गुस्सा तो आएगा ही, इगोइस्टिक भी है, किसी की नहीं सुनती है, अपनी करेगी और सारी जिंदगी करेगी। लेकिन 1-8 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं, ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, एक लॉयर बनने के लिए, एक जस्टिस बनने के लिए। तो इसका गुस्सा जो आपने सवाल पूछा है, गुस्सा जो है वो जायज है, जेन्युइन चीजों पे आता है, कभी मत रोकिएगा, प्यार से डील करिएगा। सिर्फ इसका गुस्सा आने वाले समय में लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी आपकी बेटी को बनाया जा सकता है, एक अच्छा लॉयर आपकी बेटी को बनाया जा सकता है, एक अच्छा जुडिशरी में जाने का इसका अपॉर्चुनिटी इसके पास रहेगी। अभी इसका पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 5, 5 और 10 और 1, 5 और 5, 10 और 11, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा इमोशनल ग्राउंड पे कमजोर है ये, इसको प्यार की जरूरत है, आप डांटिए मत इसको, प्यार से डील कीजिए। और दबाने की जरूरत नहीं है, इसका गुस्सा दबाना नहीं है आपने, अगर इसका गुस्सा दबाएंगी तो ये दब्बू हो जाएगी, 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो आपके अगेंस्ट जा सकती है। इसका गुस्सा अच्छे कामों में लगेगा, ये मेरी गारंटी है, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिर्फ इसको प्यार से डील कीजिए, सिर्फ प्यार से डील कीजिए और दोस्तों की तरह डील कीजिए, ताकि ये अपने दिल की हर बात आपसे कर सके, सिर्फ इतना करिएगा। बहुत अच्छे योग हैं इसकी कॉम्बिनेशन, इसकी डेट ऑफ बर्थ में बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है, और गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। लकी नंबर इनका रहेगा 5, 5 इनका लकी नंबर है। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि 5 इनका लकी नंबर है तो गाय से हरा चारा, आप इसके गाय को हरा चारा और पंछियों को बाजरा या मूंग, बुधवार के बुधवार ये करवाते रहिएगा। 5 नंबर लकी नंबर है, लकी नंबर 5 यानी कि बुद्धि का नंबर,
बुद्धि बहुत शार्प है, और पांच नंबर ने अगर सात सपोर्ट कर दिया ना 1-8 के कॉम्बिनेशन में, तो आप देखिएगा कि माइंड कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो आप इससे गाय को हरा चारा और पंछियों को बाजरा डलवाना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, पर पंछियों को बाजरा आपको छत पर नहीं डलवाना है, ओपन में डलवाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आप उपाय करवाइए बस, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुस्सा दबाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा अगर गुस्से में दबेगा तो फिर दब्बू हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं रोकनी इसकी ग्रोथ, क्योंकि ये एक सफल प्रशासनिक अधिकारी का कॉम्बिनेशन है। इसे आगे बढ़ने दीजिए, सिर्फ आपको कंट्रोल क्या करना है कि इसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना है, ताकि ये बच्चा अपने दिल की हर बात आपसे कर सके। क्योंकि 1-8 वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो यही रहती है कि वो दिल की बातें दूसरों से कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर उनका गुस्सा चलता है। जब तक वो गुस्सा बाहर नहीं निकलेगा, ये हल्के नहीं होंगे। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है ना, तो इनकी बातें सुनने की बार को आदत डालनी चाहिए, और ये अगर हल्के होते रहेंगे तो आपके साथ इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। बाहर के लोगों के लिए इनका गुस्सा जायज है, ये होना भी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। 3:30 बजे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम पे फिर से लाइव रहूंगा, तो आइए वहां मिलते हैं आपसे। और 3:30 बजे एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम पर आपके सवालों के जवाबों के लिए फिर से हाजिर रहूंगा। मैं अश्विनी गौतम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरी आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि ज्योतिष पुंज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना, उतना ही आपको आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा बार जल्दी से जल्दी आपके साथ रूबरू हो सकूँगा, डेफिनेटली मैं आपके साथ रहूँगा और आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।